बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डर्मिस डर्मिस जो है ना बिल्कुल एपिडर्मिस से नीचे मौजूद होती है। लाइज लाइज अंडर एपी डर्मिस, ये कंसिस्ट करती है कनेक्टिव टिश्यूज पर। इट कंसिस्ट ऑफ, इनकी कंपोजिशन कैसी है इसकी, कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ब्लड वेसल्स, नर्व एंड सेंस ऑर्गन्स। नर्व एंड सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। ये जो डर्मिस होती हैं रिचली वेस्कुलराइज्ड होती है। क्या होती है, रिचली वेस्कुलराइज्ड होती है। इसका काम क्या है, इसने नोरिशमेंट प्रोवाइड करनी होती है एपिडर्मिस को और इसके डेरिवेटिव्स को। क्या है इसका फंक्शन, फंक्शन ऑफ डर्मिस, फंक्शन ऑफ डर्मिस। तो वो बेसिकली क्या है जी, इसने क्या करनी होती है, इसने, ये रिचली वेस्कुलराइज्ड होती है, वेस्क्यूलर, ठीक है, इसने नॉरिशमेंट प्रोवाइड करनी होती है। इट प्रोवाइड नॉरिशमेंट टू एपिडर्मिस, ना सिर्फ एपिडर्मिस बल्कि इसके डेरिवेटिव्स को भी क्या प्रोवाइड करनी होती है, नॉरिशमेंट प्रोवाइड करनी है। अब जो डर्मिस के जो कनेक्टिव टिश्यूज है ना उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कोलेजन प्रोटीन से और मेसेनकाइमा सेल से, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यूज ऑफ डर्मिस को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ लिख के बताती हूँ। कनेक्टिव टिश्यू ऑफ डर्मिस किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कोलेजन प्रोटीन और मेसेनकाइमा सेल से, कोलेजन और साथ साथ किससे, मेसेनकाइमा सेल से। अब बाद में जो ये मेसेनकाइमा सेल्स हैं उनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है बोन फॉर्मिंग सेल्स पर, ठीक है, ताकि डर्मल बोन की फॉर्मेशन हो सके। किसकी फॉर्मेशन हो सके, डर्मल बोन की। इनको बाद में किस में डिफ्रेंशिएट किया जाता है, बोन बोन फॉर्मिंग सेल्स में, ताकि किसकी फॉर्मेशन हो सके, डर्मल बोन की फॉर्मेशन हो सके, डर्मल बोन की फॉर्मेशन हो सके। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, डर्मिस के जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कोलेजन से और मेसेनकाइमा सेल से। और ये जो मेसेनकाइमा सेल्स हैं बाद में इनको डिफरेंशिएट किया जाता है बोन फॉर्मिंग सेल्स में, ताकि डर्मल बोन फॉर्मेशन हो सके। ये जो स्केल्स है ना मोस्ट कॉम्प्लेक्स है, स्केल्स आर मोस्ट कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स ऑफ डर्मिस। किसकी बात हो रही है, स्केल्स की बात हो रही है। स्केल्स आर मोस्ट कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव। कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव
ठीक है, किसका मोस्ट कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव है? डर्मिस का। ये ड्राइव्ड है बेसिकली मेसेनकाइमा सेल से ही, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ फ्यू ऐसी स्पीशीज होती हैं जो स्केललेस होती हैं, जैसे कि कैटफिश। स्केललेस फिशेज की में कौन सी एग्जांपल आ जाएगी? स्केललेस फिशेज। फिशेज में कौन सी एग्जांपल आएगी? कैट फिश। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट स्टडी करते हैं कि स्केल्स को हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं। मजीद स्केल ये एक रिजिड प्लेट होती है एनिमल की आउटर स्किन के ऊपर, जिसका काम ये है कि इसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है। इस तरह से हम लोग स्केल को रिप्रेजेंट करते हैं, रिजिड रिजिड प्लेट आउट ऑफ एन एनिमल। कहाँ से निकलती है? स्किन से निकलती है, स्किन, जिसका काम यह है कि इसने क्या प्रोवाइड करनी है? प्रोवाइड प्रोटेक्शन। अब हम लोग कुछ टाइप्स पढ़ते हैं स्केल्स की। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लीकॉइड स्केल्स के बारे में, जो कि प्रीमिटिव एग्जिस्ट करते थे। प्लीकॉइड स्केल्स, प्लैट का क्या मतलब होता है? प्रीमिटिव, और ऑड का मतलब कि लाइफ, प्रीमिटिव लाइफ। यहाँ भी मैं आपको लिख भी देती हूँ ताकि मज़ीद क्लियर हो जाए। इसका मतलब है प्रीमिटिव, ठीक है। ओ आई डी का मतलब है लाइफ, प्रीमिटिव लाइफ। ये अब कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं, इसकी कौन कौन सी एग्जांपल आ जाएगी? इसकी एग्जांपल है शार्क, ये शार्क में मौजूद होते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन द शार्क। इसके अगर हम लोग डायग्राम को रिप्रेजेंट करें तो बेसिकली कुछ इस तरह तरीके की होगी। ये इसके पास मिड स्पाइन है और ये बेसल स्पाइन है। ये क्या है? मिड मीडियन स्पाइन और ये है बेसल स्पाइन। ये किस पे कंसिस्ट किए? टू पार्ट्स के ऊपर कंसिस्ट किया। कितने पार्ट्स के ऊपर? टू पार्ट्स के ऊपर। सबसे पहला जो पार्ट है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रोमो, मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। फर्स्ट पार्ट किस पे कंसिस्ट करता है? रोमोबॉइडियल बेसल सेल्स के ऊपर, बेसल प्लेट। ये बेसल प्लेट कहाँ पे एम्बेडेड है? ये डर्मिस में एम्बेडेड है, एम्बेडेड इन द डर्मिस, ठीक है। अब नेक्स्ट है जी फ्लैट ट्राइडेंट स्पाइन, जो के एपिडर्मिस से ही निकले हुए हैं। मैं यहाँ पे आपको मज़ीद क्लियर करती हूँ विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ये देखें, ये हमारे पास ट्राइडेंट स्पाइन्स हैं। ये क्या है हमारे पास? ट्राइडेंट स्पाइन है, वन टू एंड दी थ्री। और ये जो है ना सेंटर में, ये हमारे पास क्या है? डायमंड शेप्ड बेसल प्लेट है। कौन सी शेप है ये? बेसिकली यहाँ पे सारा जो है ना वो क्लियर फॉर्म इस तरह से होती है इनकी। अब ये हमारे पास क्या मौजूद है? ट्राइडेंट स्पाइन्स, ट्राई
डिएंट स्पाइन। और इस जगह जो है ना, ये जो बेसिकली ये है जी डायमंड शेप, डायमंड शेप्ड बेजल प्लेट प्लेट। अब ये जो है बेसिकली ये एक ओपनिंग है पल्प कैविटी के लिए। किसके लिए? पल्प कैविटी के लिए एक ओपनिंग है। ये डायमंड शेप आपको प्लेट तो मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दी, ठीक है। और ये जो बेसिकली ये क्या है, ये पल्प कैविटी है, ओपनिंग है ये बेसिकली। अब नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे लिख के भी दिखा देती हूँ। फ्लैट की जो ट्राइडेंट स्पाइन है ना, ये एपिडर्मिस से निकले हुए हैं, ठीक है। और ये जो बेजल प्लेट है, ये जो बेजल प्लेट है, ये कंसिस्ट करती है कैल्सीफाइड टिश्यू के ऊपर और पल्प कैविटी के ऊपर, ठीक है। ये जो बेस है किस पे कंसिस्ट करती है? कैल्सीफाइड टिश्यू के ऊपर, ठीक है, और पल्प कैविटी के ऊपर। जबकि अगर हम लोग बात करें ये ट्राइडेंट स्पाइन की, किसकी बात करें? ट्राइडेंट स्पाइन की, तो ये कंसिस्ट करते हैं किसके कंसिस्ट? डेंटाइन पर और हार्ड लेयर ऑफ कैल्शियम पर। ये ट्राइडेंट स्पाइन किस पे कंसिस्ट करते हैं? डेंटाइन पर और दूसरा है जी लेयर ऑफ कैल्शियम पर। ये जो पल्प कैविटी आपको नजर आ रही है, जिसको मैंने ब्लू से ग्रीन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये जो पल्प कैविटी है इसको सप्लाई करती है ब्लड वेसल्स को। इसका क्या फंक्शन है? सप्लाई ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स को, नर्व्स को, और कनेक्ट करती है टिश्यू फाइबर्स को, जिसको हम लोग शार्पली फाइबर्स बोलते हैं। ये सारे के सारे हेल्पफुल होते हैं स्विमिंग में और फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में, ठीक है। सप्लाई ब्लड वेसल्स, ठीक है, नर्व्स और कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? शार्पली फाइबर्स। ये क्या है? ये बहुत ही हेल्पफुल है। किसमें हेल्पफुल है? यहाँ पे लिख देती हूँ, हेल्पफुल स्विमिंग में और फ्रिक्शन को रिड्यूस्ड करने में, स्विमिंग एंड एज वेल एज इन फ्रिक्शन रिड्यूस्ड। क्लियर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कॉस्माइड स्केल्स के बारे में। किसके बारे में? कॉस्माइड स्केल्स के बारे में। ये जो कॉस्मो यानी कि ऑर्नामेंटल, कॉस्मो का मतलब होगा ऑर्नामेंटल, कॉस्माइड, ये सेकेंड टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं स्केल। ये देखिए कॉस्मोस यानी के ऑर्नामेंटल, और ओ आई डी और का मतलब है लाइक, जस्ट लाइक ऑर्नामेंट, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं जी? इट इज़ फाउंड इन डेपनोई सार्कोपैटर्जी क्रोसोपैटर्जी फिश स्पीशीज में, ठीक है, प्रेजेंट इन डेपनोई, ठीक है, सार्को
पैटर्जी कहाँ ही मौजूद होते हैं, सार्को पैटर्जी में, ठीक है, और क्रोसो पैटर्जी में। ईच कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, ये जो कॉस्माइड स्केल्स हैं इनके पास थ्री पार्ट्स होते हैं, ईच कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, थ्री पार्ट्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो पार्ट है ना वो है हमारे पास जी आइसोपिटाइन, क्या है जी आइसोपिटाइन, आइसोपिटाइन ये बेसिकली इनर या फिर बेसल लेयर है लेयर्ड बोन्स की और ब्लड वेसल्स की। इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, इनर या बेसल लेयर है इसकी लेयर्ड बोन्स की और ब्लड वेसल्स की, बेसल लेयर है किस किस की, लेयर्ड बोन्स एज वेल एज ब्लड वेसल्स, ठीक है। जबकि हम लोग वेस्कुलर लेयर की बात करें, किसकी बात करें, इसके दूसरे पार्ट की जिसका नाम है वेस्कुलर लेयर, वेस्कुलर लेयर ये बेसिकली मिडल लेयर है, ये कौन सी लेयर है, मिडल लेयर। ये कंसिस्ट करती है स्पॉन्जी बोन्स के ऊपर और वेस्कुलर स्पाइंस के ऊपर, किस पे कंसिस्ट करती है, स्पॉन्जी बोन पर, ये लेयर्ड बोन्स पे कंसिस्ट करती थी और ये स्पॉन्जी बोन्स पर, ठीक है। और दूसरा है जी वेस्क्यूलर स्पेसिस में। थर्ड पार्ट है जी इसकी कॉस्माइन, थर्ड इज दी कॉस्माइन, कॉस्माइन ये आउटर लेयर है, ये कौन सी लेयर है, आउटर लेयर है, सी ओ एस एम आई एन ई, ये बेसिकली होता है कॉस्माइन, ठीक है, रिपीट लिख देती हूँ कॉस्माइन। ये कौन सी लेयर है, ये आउटर लेयर है जो कि डेंटाइन और पल्प कैविटी से मिलकर बनी हुई है, आउटर लेयर, ये कौन सी लेयर है, आउटर लेयर मेड अप ऑफ डेंटाइन एंड पल्प कैविटी। मेड अप ऑफ डेंटाइन एंड पल्प कैविटी, ये किस स्केल की बात हो रही है, कॉस्माइड स्केल की। अब नेक्स्ट हम लोग जो है ना वो जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी। ये देखें आप, ये हमारे पास जो टीथ है, ठीक है, सही, और ये जो सेंटर में जो है ना ये केनाल ओपनिंग है, ये क्या है, केनाल ओपनिंग है, ये सर्कुलेट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे ये एक्सटर्नल पोर है, एक्सटर्नल पोर है, ये केनाल ओपनिंग है,
ये सर्कुलेट है, जितनी आपको नज़र आ रही हैं लाइनें सर्कुलेट है, ये एनुअल रिंग है, ये क्या है एनुअल रिंग है, ये हमारे पास टीथ है, ये फिर हम लोग इसको स्पाइन कहते हैं, टीथ और स्पाइन। ये किसकी रिप्रेजेंटेशन मैंने की है, कॉस्मॉइड स्केल की। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्केल के बारे में, जो कि हमारे पास है गुनाइड स्केल, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जैनमन। थर्ड टाइप कौन सी है, गेनॉइड स्केल्स, इसको क्या बोलते हैं जैनमन। ये जो स्केल्स होते हैं ना, ये क्लोजली अरेंज होते हैं एक दूसरे के साथ, जैसे कि डायगोनल रोज होती है ना टाइल्स की या फिर फ्लोर की, इसकी डायगोनल रोज होती हैं। अब मैं आपको ये यहाँ पे भी दिखा देती हूँ, जैसे जस्ट लाइक अ टाइल, जैसे फ्लोर के ऊपर टाइल्स ही अवेलेबल होती है, इस तरह से एक दूसरे के साथ क्या होते हैं क्लोजली पैक्ड फॉर्म में ये अरेंज होते हैं। सर स्केल्स आर क्लोजली लेंथ टूगेदर लाइक डायगोनल रोज, तिरछी रोज है टाइल्स की, किसके ऊपर फ्लोर के ऊपर, ठीक है। अबव ऑल पार्ट्स आर एब्सेंट बट मेड अप ऑफ जिनोनियम विच इज हार्ड एंड मल्टी लेयर्ड। ये क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर जितने भी पार्ट्स पढ़े पोस्टमार्ट स्केल के, हम लोगों ने थ्री पार्ट्स करे, आइसोपीडाइन पढ़े, वेस्कुलर लेयर पढ़ा पोस्टमार्ट स्केल, ये सारे के सारे क्या होते हैं एब्सेंट होते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये क्या है, इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये मल्टी लेयर्ड है, ठीक है, ये हार्ड है, और दूसरा इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये मल्टी लेयर्ड है, मल्टी लेयर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है जी सेक्युलाइड स्केल्स, जिसको हम लोग सर्कुलर का भी नाम देते हैं, किसका नाम देते हैं सर्कुलर का, साइक्लॉइड स्केल्स, इसको क्या बोलते हैं सर्कुलर स्केल्स। ये लोब फाइन फिशेज में पाया जाता है, या फिर ये क्या होता है, ये सॉफ्ट लेड होता है, ये कहाँ पाया जाता है लोब्ड फाइन फिशेज में, इज प्रेजेंट इन लोब फाइंड फिशेज में, ठीक है। सॉफ्ट लेड फिशेज में मौजूद होता है, सॉफ्ट लेयर्ड फिशेज में प्रेजेंट होता है। इसके फोर पार्ट्स हैं, ठीक है, इसके कितने पार्ट्स हैं, फोर पार्ट्स हैं। सबसे पहले जी फोकस, सबसे पहले कौन सा है जी फोकस, ये सेंट्रल जोन है जो कि सबसे पहले डेवलप होता है, ये क्या है सेंट्रल जोन है जो सबसे पहले डेवलप होता है, यहां पे मैं लिख रही हूँ सेंट्रल जोन। एंड द सेकेंड इज द सर्क्यूलर, दूसरा कौन सा पॉइंट है सर्क्यूलर, ये कंसेंट्रिक बोनी रिड्स की फॉर्म में जो है ना वो अरेंज होता है फोकस के इर्द गिर्द, किस फॉर्म में, कंसेंट्रिक बोनी रिड्स की फॉर्म में, कंसेंट्रिक बोनी रिड्स की फॉर्म में। ये थर्ड पार्ट जो है वो है हमारे पास रेडियाई, कौन सा है रेडियाई, एंड द फोर्थ इज द एनुअल, एनुअल जो है वो ईयरली ग्रोथ मार्कर, ठीक है, और रेडियाई ग्रूव्स हैं, ये लाइंस हैं जो कि रेडिएटिंग है फोकस से मार्जिन की तरफ, इसकी तरफ फोकस से मार्जिन की तरफ रेडिएटिंग है, रेडिएटिंग फ्रॉम फोकस टू मार्जिन,
ठीक है, और एनुअली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ईयरली ग्रोथ को। मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम थोड़ी सी रफ सी रिप्रेजेंट कर देती हूँ ताकि मज़ीद क्लियर हो जाए। ये देखिए, ये फोकस है, ठीक है, उसके बाद ये सर्कुलर फॉर्म में कुछ एग्जिस्टेंस होगी और रेडिएटिंगली जो है ना वो रेडियाई, और बाद में एनुअली जो है ना वो रिप्रेजेंटेशन होगी जो कि ग्रोथ मार्क को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, ये था साइक्लॉइड स्केल के बारे में। नेक्स्ट है जी टीनॉइड स्केल्स, जो बिल्कुल टीथ लाइक है। क्या है? टीनॉइड स्केल्स जस्ट लाइक अ टीथ लाइक। फिफ्थ टाइप ऑफ स्केल्स डैट आर टीनॉइड स्केल्स जस्ट लाइक अ टूथ टीथ लाइक। ठीक है, ये कॉम्ब लाइक टीथ हैं, ठीक है, जिसको हम लोग टीनॉइड बोलते हैं। इट्स ये इन इट्स पोस्टीरियर मार्जिन, ठीक है, ये कहाँ मौजूद होते हैं, पोस्टीरियर मार्जिन में मौजूद होते हैं। ये टू लेयर्ड से मिलकर बन गए होते हैं, जैसे कि आइसोपीटीनाइन और इनर डेंस फाइब्रियस लेयर से। ठीक है, ये किसके लाइक है, टीथ लाइक, यानी कि कॉम्ब लाइक। तो यहाँ लिख भी देती हूँ कॉम्ब लाइक। इसके कितने पार्ट्स हैं, टू लेयर्स हैं इसकी, सही है। फर्स्ट इज द आइसोपीटीनाइन and the second is the inner dense fibrous layer,